मैं आपको तो मैं कैसे आपको वीवो T3 अल्ट्रा को आप हार्ड डिसेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको हार्ड डिसेट कर ली तो इस वीडियो को फुल देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, ले चलता हूँ फोन डिस्प्ले पे और आपको बता दें कैसे आपको हार्ड डिसेट करनी है अपने वीवो T3 अल्ट्रा को और फुल रिसेट सेटिंग्स में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो इसके लिए सिंपली आपको सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और स्क्रॉल करके नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सिस्टम करके, सिस्टम पे क्लिक कीजिए और नीचे आने के बाद यहाँ पे रिसेट ऑप्शन आपको दिख रहा हो तो रिसेट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। चार ऑप्शन आपको दिखेगा, एक आपको रिसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, रिसेट ऐप प्रेफरेंस, रिसेट ऑल सेटिंग्स, इरेज ऑल डाटा, यानी कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं सबको बारी बारी से बताऊंगा। तो फर्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जितना भी वाईफाई रहेगा, जितना भी मोबाइल डाटा रहेगा या फिर जितना भी ब्लूटूथ कनेक्टेड है, सारा का सारा आपको रिसेट हो जाएगा, दिख पा रहा हूँ। तो यहाँ से बाइक आइएगा और उसका सेकंड में रिसेट ऐप प्रेफरेंस, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जितना भी ऐप इंस्टॉल किए हों वो सबका ऐप का स्टोरेज है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड में जो भी आपका डाटा परमिशन है वो सारा का सारा आपको डिलीट हो जाएगा। बैटरी यूजेज कितना है वो सारा का सारा आपको रिसेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड थर्ड में आपको रिसेट ऑल सेटिंग, रिसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि आप अपने फोन में जितना भी आप सेटिंग्स करते हैं, न्यू फंक्शन ऐड करते हैं, न्यू टेक्स्ट ऐड करते हैं या फिर न्यू स्टाइल ऐड करते हैं, जितना भी आप अगर इसमें चेंज करते हैं फंक्शन, वो आपको सारा का सारा आपको रिसेट ऑल सेटिंग्स में आपको रिसेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बैक आएगा और यहाँ पे फोर्थ में आपको इरेज ऑल डाटा पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जितना भी आपका है गूगल अकाउंट है, फोटोज है, वीडियोज है, पर्सनल डाटा है या फिर म्यूजिक है, मूवीज है, सारा का सारा आपको डिलीट हो जाएगा। और साथ ही में व्हाट्सएप जितना भी गूगल अकाउंट है वो रिसेट हो जाएगा, मीट जितना भी आपका एप्लीकेशन है वो सारा का सारा आपको रिसेट हो जाएगा और साथ में फुल्ली रिसेट आपको हो जाएगा। जैसे न्यू फोन रहता वो आपको रिसेट हो, जैसे आप इरेज ऑल डाटा पे क्लिक कीजिएगा, अपना पासपोर्ट दीजिएगा तो आप यहाँ पे रिसेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देता हूँ, देने के बाद यहाँ पे इरेज ऑल डाटा पे क्लिक कीजिए तो आपका सारा का सारा फोन है बिल्कुल नया जैसा आपको दिखने लगा। लेकिन मेरा फोन नया है इसलिए मैं रिसेट नहीं कर सकता, अगर आप रिसेट करना चाहते हो आप रिसेट पे क्लिक कर सकते हैं और इसे यहाँ पे आप हार्ड रिसेट कर सकते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर कीजिएगा।